मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम काकी कहानी का कथानक या कथावस्तु पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सवेरे रोने धोने की आवाज़ सुनकर श्यामू की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा, उसकी काकी उमा कंबल में लिपटी जमीन पर पड़ी है और घर के सारे लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद सब लोग काकी की अर्थी उठाकर उससे शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उद्रव मचाया। वह लोगों के हाथों से छूटकर काकी के शव पर जा गिरा। वह बोला, उसकी काकी तो सो रही है, वह उसे उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया, वह काकी के अग्नि संस्कार में भी ना जा सका। एक दासी उसे जैसे तैसे करके घर पर ही संभाले रही। कुछ बड़े लोगों ने श्यामू को बहलाने के लिए उससे कहा कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असलियत बहुत दिनों तक छिपी ना रह सकी। साथ खेलने वाले के यहाँ नहीं अपितु भगवान के उसकी काकी उसके साथ खेलने वाले लड़कों ने श्यामू को बता दिया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ नहीं अपितु भगवान के घर ऊपर गई है। वह काकी के वियोग में बहुत दिनों तक रोता रहा। उसके आंसू तो धीरे धीरे सूख गए, पर उसके हृदय का शोक कम ना हुआ। वह अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने आकाश में उड़ती हुई एक पतंग देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा। वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर उसने बोला कि उससे लिए एक पतंग मंगा दे कि वे उसके लिए एक पतंग मंगा दे। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बड़े उदास रहने लगे। वे श्यामू की बात टाल गए और वहां से उठकर बाहर चले गए। श्यामू जल्दी से जल्दी पतंग प्राप्त करना चाहता था। पतंग न मिलने पर वह बेचैन हो उठा। एक दिन उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया। उसने पिता विश्वेश्वर का कोट खूंटी पर टंगा था उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल पर चढ़कर कोट की जेब से एक चवन्नी निकाल ली। वह तुरंत अपने साथी सुखिया दासी के लड़के भोला के पास गया। उसने भोला को चवन्नी देकर उससे कहा कि वह अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दे और ख्याल रखेगी उसकी उस बात का किसी को पता ना चले। पतंग आ गई। श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। इसी बीच श्यामू ने धीरे से भोला को बताया कि वह उस पतंग को भगवान के घर भेजेगा, जिससे उसे पकड़कर उसकी काकी नीचे उतर आए। यदि वह लिखना जानता तो उस पतंग पर उसका नाम भी लिख देता। भोला ने श्यामू की बात पर कुछ देर गंभीरतापूर्वक सोचकर कहा कि डोर पतली होने के कारण काकी उसे पकड़कर नीचे नहीं उतर सकेगी। यदि रस्सी कुछ मोटी हो तो बात बन जाती। उस दिन उसे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू ने अगले दिन अपने पिताजी की कोट की जेब से एक रुपया निकाल लिया। उसने वह रुपया भोला को देते हुए कहा कि वह दो रस्सियां मंगाए, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ेगी। उसने भोला को ये भी बताया कि वह जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लेगा, नाम की चिट होने से पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। कुछ देर बाद श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सियां बांधने लगे। उसी समय वह दोनों बहुत प्रसन्न थे। इतने में क्रोध भरे विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को डांटकर पूछा कि क्या उन्होंने उनकी कोट से रुपया निकाला है। ये सुनते ही भोला घबरा उठा। वह बोला कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए रुपया निकाला था,
भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने शामू की पिटाई कर दी और उसकी पतंग फाड़ डाली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।